साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद का बड़ा दावा, बोले बीजेपी के संपर्क में है जेडीयू के कई सांसद। दिल्ली में कंजावला मामले पर पहली बार बोले सीएम अरविंद केजरीवाल, जो हुआ वो बेहद शर्मनाक। कर्नाटक पूर्व सीएम कुमार स्वामी ने शाह पर साधा निशाना, नाजी प्रचारक जोसेफ गेबुल्स से की तुलना। तमिलनाडु में सड़क हादसे में 4 की मौत, कोयम्बटूर के पुलिस आयुक्त को एनएससीएस को नोटिस, समुद्र में बहा किशोर। बंगाल के बीजेपी विधायक बोले थाना चला देंगे, रैली में बोले पुलिस अफसर टीएमसी के एजेंट बनकर काम करे तो उन्हें पीटो। हरियाणा में मंत्रियों के विभागों का फेरबदल, इसी महीने डिप्टी सीएम समेत 4 मंत्रियों की घटेगी पावर, अनिल विजय पर संशय। बेंगलुरु में बिजनेसमैन ने खुद को मारी गोली, कार से मिली लाश, सुसाइड नोट में बीजेपी विधायक समेत 6 पर परेशान करने का आरोप। महबूबा मुफ्ती की मां को पासपोर्ट न देने पर हाईकोर्ट ने अधिकारियों को फटकारा, सीआईडी की प्रवक्ता की तरह काम नहीं करते। पांच जनवरी को हरियाणा में पहुंची की भारत जोड़ो यात्रा, गृह मंत्री अनिल विज ने कहा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, 5 जजों की बेंच ने कहा सरकार पर फैसला रही, करेंसी बंद करने में कोई गड़बड़ी नहीं। हैट्रिक की तैयारी में जुटी भाजपा, दल शिविर पर खास नजर, 2 महासचिवों की दी गई बड़ी जिम्मेदारी। चंद्रबाबू नायडू की सभा, 5 दिन में दूसरी भगदड़, गुंटूर में 3 लोगों की मौत, 28 दिसंबर को नेल्लोर में 8 लोगों ने जान गंवाई थी। कश्मीर में नए साल पर आतंकी घटनाएं, राजौरी में फायरिंग से 4 की मौत, श्रीनगर में ग्रेनेड फेंका। राजस्थान में सूर्यनगरी एक्सप्रेसवे के 14 डिब्बे पटरी से उतरे, 24 यात्री घायल, 12 ट्रेनें डायवर्ट, घबराए यात्री पटरी पर पैदल ही जाते दिखे। कार ने लड़की को 4 किलोमीटर तक घसीटा, मौत, पीठ, सिर की हड्डियां तक छिल गई, चश्मदीद बोला पुलिस को बताया पर वो होश में नहीं थी। बैकुंठ द्वार से दिए रंगनाथ भगवान के दर्शन, साल में एक बार खुलता है बैकुंठ द्वार, उत्तर भारत के विशालतम रंगनाथ मंदिर में स्थित है बैकुंठ द्वार। झांसी के 2 लाख घरों तक पहुंचेगा पानी, घूंघट में पानी का घड़ा लिए 3 घंटे लाइन में खड़े रहते थे, अब ये खुशी कैसे बताएं नहीं बता पाए। सीतापुर में पुलिस का नए साल पर जीडी मिटोट का, 2023 के पहले मुकदमे में 117 अपराधियों के खिलाफ केस, 30 मुकदमे दर्ज। बरेली में गौ तस्करों से मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश, गोली लगने से घायल एक सिपाही को भी गोली लगी।
कानपुर में कोहरे की वजह से 4 फ्लाइट रद्द, यात्री नहीं होने से खड़ी रही 39 रोडवेज बसें। सहारनपुर में 5 जनवरी तक नहीं खुलेंगे स्कूल, शीतलहर और कोहरे के कारण डीएम ने आदेश दिया, आज पारा गिरकर 5 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। आजमगढ़ नहर में मिला 70 वर्षीय बुजुर्ग का शव, आसपास के बाजारों में टहलते देखा गया, अभी तक नहीं हो रही है शिनाख्त। अंगीठी जलाकर सोए पूरे परिवार की मौत, मेरठ में नए साल पर बड़ा हादसा, पति पत्नी सहित 4 साल की बच्ची भी नहीं बची। हाथरस में सड़क हादसे में 3 की मौत, 3 घायल, ट्रैक्टर से टकराई बोलेरो, वृंदावन से लौट रहे थे, सीएम योगी ने जताया दुख। वाराणसी में घर में तोड़फोड़ का वीडियो वायरल, सारनाथ में 6-7 बदमाशों ने मचाया तंग, घर में अकेली थी महिला। अमरोहा में पेड़ से लटकता मिला किशोरी का शव, कल शाम से लापता थी, कच्छ आठवीं की छात्रा, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। बच्चे ने पुलिस को अपहरण की दी झूठी खबर, टीवी पर सीरियल देखकर आया आइडिया, चेतावनी देकर पुलिस ने छोड़ा। वाराणसी में 8वीं तक के स्कूल 4 जनवरी तक बंद, शीतलहर और कोहरे की वजह से छुट्टियां बढ़ाई, यहां दिन में टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस। फतेहपुर में नववर्ष पर 180 गाड़ियों का काटा चालान, 5 चालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, यातायात नियमों की अनदेखी पर हुई कार्यवाही। महोबा अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में न्यू ईयर की पार्टी, हुड़दंग मचाकर हुई आतिशबाजी, मरीजों को झेलनी पड़ी परेशानी। अंबेडकर नगर में फर्नीचर की दुकान में लगी आग, लाखों का नुकसान, लकड़ी से बने बेड दरवाजा आदि का कारोबार करता था पीड़ित। मुजफ्फरनगर में 9 साल से फरार हत्यारोपी गिरफ्तार, तमंचा और कारतूस बरामद, 5,000 का घोषित था इनाम, 2013 में हुई थी हत्या। कोहरे के कारण पुलिसकर्मियों की बाइक पेड़ से टकराई, भीषण सड़क हादसे में 1 पुलिसकर्मी की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। एक्सप्रेसवे पर मिली सिर से कुचली लड़की की लाश, उम्र 35 के आसपास, शरीर पर टायर के रगड़ के निशान, हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। नववर्ष में पर्यटकों से गुलजार होगा अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, नए साल पर काफी संख्या में पहुंचे पर्यटक। बदायूं में 7वीं की छात्रा से रेप, भागवत कथा सुनकर लौट रही थी, रास्ते में नाबालिग लड़की ने खेत में घसीटकर की दरिंदगी। देवरिया में सिपाही की पीट पीट कर हत्या, चुनावी रंजिश को लेकर चल रहा था विवाद, नया साल मनाने आया था घर। बिजनौर में महिला ने फांसी लगा करके आत्महत्या, घर में पंखे से लटकता मिला शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। बहराइच में शीतलहर से ठंड में और हुआ इजाफा, न्यूनतम तापमान 7.3 डिग्री का किया गया दर्ज, छाया रहा घना कोहरा। भारत जोड़ो यात्रा से पहले शामली पहुंचे कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन, बीजेपी पर बोला जमकर हमला, कहा भाजपा कर रही है तोड़ने की राजनीति।
अत्यधिक ठंड के कारण आगरा में दो दिन का अवकाश जिलाधिकारी ने दिया सोमवार मंगलवार स्कूल बंद करने का आदेश। अलीगढ़ में अचानक लगी आग से किसानों का हजारों रुपए का नुकसान, सड़क किनारे लगी तीन बुर्जी जलकर हुई राख, गांव में मची भगदड़। कानपुर पुलिस ने मां से लदे पकड़े तीन ट्रक, हरियाणा से बंगाल गाजीपुर जा रहे थे ट्रक, पुलिस ने मौके से तीन युवकों को किया गिरफ्तार। अलीगढ़ में बाइक सवार को अनियंत्रित रोडवेज बस ने रौंदा, दुर्घटना में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। मेरठ में बाबा मनोहर नाथ मंदिर में पुलिस के सामने तोड़फोड़ और पथराव की वीडियो सोशल मीडिया पर हो रही है वायरल। ऋषभ पंत आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट, दर्द और सूजन के चलते नहीं हो पाया टखने व घुटन का एमआरआई। हर किसी को पसंद आया धाकर धामी का अब नया अंदाज, जब नन्ही छात्र के जूते का फीता बांधने लगे मुख्यमंत्री धामी। उत्तराखंड के बादल कोहरे से लुढ़का पारा, एयरपोर्ट पर नहीं उतरी फ्लाइट, दो जिलों में आज कोल्ड डे अलर्ट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठी के बूंदसाव पर डीएम से मांगी विस्तृत रिपोर्ट, मदद करने के निर्देश। उत्तराखंड भाजपा के मुखिया महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर कसा तंज, बोले कांग्रेस ने अपनी टीम तक नहीं जोड़ सके, भारत क्या जोड़ेंगे। ऋषभ पंत का हाल जानने मैक्स अस्पताल पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मां और बहन से भी मुलाकात की। उत्तराखंड में एक कोरोना संक्रमित की मौत, मिले तीन नए मरीज, कोरोना संक्रमित की मौत से मचा हड़कंप। देहरादून में देर रात खाना नहीं खाए तो रेस्टोरेंट में की तोड़फोड़, चालक को पीट कर किया अधमरा आरोपित फरार। जानवरों की चारा पत्ती लेने जंगल में गई महिला गुलदार ने किया हमला, दरांती से केवार उल्टे पैर भागा। गुरुकुल कांगड़ी संविवि में चल रहा विवाद और गहराए, कुलाधिपति सत्यपाल सिंह को पदमुक्त करने का आदेश दिया गया। उत्तराखंड के स्कूली वाहनों का होगा सेफ्टी ऑडिट, बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत कार्रवाई के आदेश। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी ने कार्यकारिणी गठन के लिए हाईकमान को भेजी सूची, छोटी टीम के संकेत। यूपीसीएल के लिए 25 मेगावाट तक परियोजनाओं से बिजली खरीद अनिवार्य, सरकार ने लागू किया नया नियम। बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब में हुई बर्फबारी, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट। प्रदेशवासियों को नए साल के पहले दिन 87 जिम की सौगात, तो शहरी विकास मंत्री ने किया लोकार्पण। ब्राजील में तीसरी बार राष्ट्रपति बने लूला डा सिल्वा, 10,000 सुरक्षा बलों की मौजूदगी मिली शपथ, साइकिल पर समारोह देखने पहुंचे लोग।
दुनिया में कोरोना का खतरा, चीन में 22 साल के इंडियन की मौत, चीनी नागरिक की खुदकुशी का वीडियो वायरल। ताइवान को लगातार धमकाने में जुटी चीन ने अब अमेरिका को सीधे दिखाई आंख, गुआम अड्डे के पास से गुजरा महाविनाशक युद्धपोत। लीबिया में सिरते शहर में अपनी निशानी छोड़ गया इस्लामिक स्टेट, एक एक साथ मिले 18 ज्ञात शव, मचा हड़कंप। देर रात रूस ने कीव पर बरसाए बम, यूक्रेन का भी जवाबी हमला, रूस में बिजली सप्लाई बाधित। पाकिस्तान के स्टेडियम में पुलिस भर्ती परीक्षा, 30,000 कैंडिडेट, हजारों लड़के लड़कियां मैदान में और दर्शक दरगाह में बैठे। युगांडा में जश्न मनाने के दौरान भगदड़, 9 की मौत, मरने वाले में 10 साल का बच्चा शामिल, नए साल की आतिशबाजी देख रहे थे लोग। ईरान में जश्न मना रहे फुटबॉलर प्लेयर्स गिरफ्तार, महिलाओं के साथ पार्टी करने और शराब पीने का आरोप। आतंक पैदा करने वाले पाकिस्तान के लिए नासूर बना तहरीक तालिबान, कहा जहां है वहीं से पूरे पाकिस्तान में हमला करें। इसराइल के हमले से दहला सीरिया, मिसाइलों ने दमिश्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाया निशाना, उड़ाने ठप। सोलह महीने के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची बेरोजगारी, दिसंबर में बेरोजगारी दर 8.30%, शहरों में ज्यादा हालात खराब। लगातार 10वें महीने बना रिकॉर्ड, दिसंबर महीने में 15% बढ़ा जीएसटी कलेक्शन, सरकार के खजाने में आए 1.49 लाख करोड़ रुपए। सरकार के नोटबंदी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट, चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज। आईएमएफ प्रमुख क्रिस्टीन जॉर्जेस का बड़ा बयान, बोली नया साल 2023 वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए और अधिक चुनौतीपूर्ण। टाटा समूह को ऊंचाई पर ले जाने वाले आरके कृष्ण कुमार का निधन, निदेशक के पद पर भी थी लंबी सेवा। अनैतिक तरीके से बीमा उत्पाद न बेचे फील्ड अधिकारी, वित्त मंत्रालय ने बैंक प्रमुख को भेजा संदेश। ২০২২ में एयरलाइंस और अन्य के खिलाफ 305 मामले में कार्रवाई, 2 करोड़ का जुर्माना भी लगाया। टीसीएस से होगी रिजल्ट सीजन की शुरुआत, तिमाही के वित्तीय परिणामों की घोषणा 9 फरवरी को। नए साल पर सरकार ने दी कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी, महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी। नए मकानों की आपूर्ति 51% बढ़ी, दिल्ली एनसीआर में 20% रही गिरावट। एक आईपीएल परफॉर्मेंस से टीम इंडिया में एंट्री नहीं, बीसीसीआई बोला फ्रेंचाइजी वर्कलोड मैनेज करे, एनसीए साथ मिलकर काम करे। कुमार संगकारा ने संजू सैमसन को जमकर सराह, बोली टेम्परामेंट पावर जिम्मेदारी सब कुछ है, कहीं भी भेजो अच्छा खेलेंगे।
एस्टन एगर ने भारतीय सरजमी पर टेस्ट खेलने की जताई मंशा। ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट में 5 साल बाद हुई वापसी। कुलदीप यादव के कोच कपिल पांडे ने की रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ की तारीफ, बोले उनकी वजह से हुई चाइना मैन की वापसी। भारत के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले न्यूजीलैंड को लगा झटका, वनडे सीरीज से बाहर हुआ खतरनाक गेंदबाज एडम विल ने। ऑस्ट्रेलिया के ब्राउन ने 270 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए, अपना बैट खुद बनाते हैं, 1000 प्लस बैट रिपेयर भी कर चुके हैं। ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए 20 प्लेयर्स शॉर्टलिस्ट, रिव्यू मीटिंग में द्रविड़, रोहित और चेतन शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप हार पर हुए सवाल। धोनी कोहली ने दुबई में बनाए न्यू ईयर, कप्तान रोहित शर्मा मालदीव गए, पांड्या ने शेयर किए सेलिब्रेशन के फोटोज। बाउंड्री के अंदर बाहर कैच पकड़ने पर विवाद, कैच पकड़ा उछाला तो बॉल ग्राउंड के बाहर गई, वहां से अंदर फेंक पर पूरा किया कैच। एस्टन विला टोटेनहम को चौंकाया, चेल्सी को भी लगा झटका, टॉप पर बरकरार है आर्सेनल। एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए दीपिका, रणवीर कपल ने स्टाइलिश अंदाज में मारी एंट्री, बॉन्डिंग जीता दिल फैंस का दिल। लंदन में एक साथ छुट्टियां मना रहे हैं कार्तिक, सारा शेयर करें एक की फोटो, फैंस लगा रहे पैचअप के कयास। देबीना को भीड़ से बचाते वक्त जख्मी हुए गुरमीत, कैमरे के सामने दिखाई इंजरी। शिल्पा शेट्टी ने साल 2022 को बताया रोलर कोस्टर राइड, लंदन में किया न्यू ईयर सेलिब्रेशन, वीडियो शेयर कर दिया पॉजिटिव मैसेज। न्यासा देवगन ने दोस्तों संग दुबई में मनाया न्यू ईयर, रूममेट बॉयफ्रेंड वेदांत महाजन के साथ हुई स्पॉट, ब्लैक शॉर्ट ड्रेस में दिखी बेहद खूबसूरत। मौलाजट के इंडिया रिलीज पर फवाद खान का रिएक्शन, बोले अगर फिल्म इंडिया में रिलीज होती तो दोनों देशों के रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। लग्जरी कार छोड़ बाइक पर शो करने पहुंची मीका सिंह, ट्रैफिक के कारण अनजान ड्राइवर के साथ की राइड, हेलमेट न पहनने के लिए हुए ट्रोल। रणवीर सिंह को लगी सुशांत की बदुआ, के आरके ने कहा रामलीला में मिला था सुशांत को काम, रणवीर ने छीन ली थी फिल्म। शाहरुख खान के ऑन स्क्रीन बेटी सना सईद ने की सगाई, विदेशी बॉयफ्रेंड ने लॉस एंजलिस में किया प्रपोज। अनुराग कश्यप ने 31 दिसंबर को बताया ब्लैक डे, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी 3 बड़ी संस्थानों के मर्ज होने पर जताया विरोध। आज के लिए शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।